कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया। गाजीपुर का लाल तो धमाल था। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था। और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था। कि इतना भव्य कार्यक्रम, इतना ऊर्जा से रहित शहीदों के सम्मान में बाबा विश्वनाथ की धरती पे आप लोगों ने कराया, मैं आप लोगों को कोटि से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बाबा विश्वनाथ की धरती पे हूँ, चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ। अजय अंजाम भैया, कविता दीदी, सभी लोग बैठे हैं कि शेष गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं। क्या बात है। शेष गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं, और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। शेष गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं, बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूँ मैं, और डिमिक डम 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 बाजे ऐसी डमरू के धुन को नमन करता हूँ मैं, और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वैभव जी हमारे मध्य आए, फेसबुक से मैं छुड़ा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, और नमन करने का किसको मन होता है। घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा, ऐसे जन नायक सुभाष की जरूरत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है, और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। बहुत अच्छे। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है, और झुकने दिया नहीं जो भारती की भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। बहुत अच्छा है। ये देश नाजा चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्र माताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पुतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। उन राष्ट्र माताओं को नमन करता हूँ कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है, और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्र माता जीजाबाई को नमन है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ाने बली, ऐसी क्षत्राणी पन्नाधारी को नमन है, और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है, और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शतदल, बांकुरे के उस पद चाप को नमन है, और लड़ा सदा आन बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। जय। एक बार सभी लोग एक साथ जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। मित्रों, मैंने कहा था कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। मैं जिस जनपद से आता हूँ, मेरा जनपद है मऊ, और मेरे पड़ोस में जिला है गाजीपुर। गाजीपुर पूरे दुनिया के मानचित्र में इसलिए अजर अमर हो गया कि सन 1965 के युद्ध में वहाँ का एक लाल, भले वो तिरंगे में लिपट कर आया, भले वो शहीद होकर आया, लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आया, जिसका नाम होता है वीर अब्दुल हमीद। उसके नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था।
गजेंद्र भैया को मैं प्रणाम करता हूँ, देता हूँ उनको छंद कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वो ऐसा कि मिसाल था मिसाल था, और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था धमाल था। और जंग जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था सवाल था, और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए अब्दुल हमीद तो कमाल था कमाल था। बहुत अच्छा। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी माँ के आंसू में नहीं होते, उसकी माँ वीर शहीदों के परिवार बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, उसकी माँ उसके मित्रों से पूछती है बता मेरा बेटा कैसे लड़ा, जब ये लड़ा तो इसकी आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं, जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं, जब ये लड़ा तो उसके माथे की भुक्ति तनी हुई थी कि नहीं। जो उसके माँ से उसके मित्रों ने जवाब दिया उसको मैंने चार पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है, और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक एक हाथ गीता और दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है, और शेष माँ के चरणों में बाद में चढ़ाया पहले, पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया है। बहुत अच्छा, क्या बात है, ये हमारे देश का शौर्य है। मित्रों, देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा, देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया